तो हेलो गाइज यार, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है क्लैश ऑफ क्लैंस की एक और नई वीडियो में। तो यार आज हमारी पुशिंग की नेक्स्ट वीडियो है, डे 3 है भाई। यार आज डेट क्या है यार, 13 सितंबर रात के भाई 2:19 हुए हैं। आज की भाई पुशिंग बहुत ज़्यादा ओपी गई है भाई। यार क्या बताऊँ अब आपको, क्या पुशिंग रही है यार, ये देख लो यार भाई। आज तो मज़ा आया है पुशिंग में, इसके पीछे भाई एक राज है यार जो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको किसी को नहीं बताना यार, ध्यान से सुन लो, किसी को नहीं। अरे भाई मजाक है यार, सबको शेयर करो यार, सबको पता लगना चाहिए भाई ये राज। तो यार ये राज है, सर्वर चेंज करना है भाई। इंग्लिश मतलब जैसे अपना इंग्लिश सर्वर रहता है ज़्यादातर, तो भाई उसमें जल्दी जल्दी अपने को नहीं मिलती यार इजीली, मतलब इतने अच्छे अच्छे बेसिस। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को TH9 पे घटिया से बेसिस थे और उन पर 30-36 ट्रॉफीज़ मिल रही थी यार ईजिली, मतलब यार। तो देख लो यार भाई, मतलब मज़ा आ जाता है यार ऐसे बेसिस देख के, और वो ईजिली 3-स्टार होने वाले बेसिस होते हैं यार, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई बेस 3-स्टार नहीं होगा। तो चलो यार ये अच्छा बेस मिल चुका है अपने को, टाउन हॉल मिल जाएगा क्योंकि भाई सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो सेकंड साइड है। तो चलो अपनी क्वीन वॉक यहाँ से शुरू करते हैं। तो यार अपना मेन फंडा यहीं पे है कि यार अपने को 2-स्टार लेने हैं इजीली, ताकि अपने पास इजीली यहाँ पे हो जाएं कम से कम 20 ट्रॉफी तो मिल जाएंगी भाई अगर हमने 2-स्टार निकाल लिया। तो बस यार वही चाहिए हमें यार, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ट्रॉफीज़। तो भाई मैं बता रहा था कि आपको यार सर्वर चेंज कर लो, काफ़ी इजीली आपको अच्छी अच्छी ट्रॉफीज़ मिल जाएंगी, अच्छे अच्छे बेसिस मिल जाएंगे भाई ट्रॉफी के लिए। तो काफ़ी ओपी बन जाएगा भाई आपका ये सफ़र यार ट्रॉफी पुशिंग का। मेरा तो भाई बन ही चुका है यार, जब से मैंने ये देखा है कि भाई ओपी हो जाता है काम बिल्कुल यार, जब से आप जैसे ही भाई आप लोग ट्राई करेंगे ना कि भाई सर्वर चेंज करने का, तो काफ़ी अच्छे अच्छे बेसिस मिल जाएंगे आपको काफ़ी कम टाइम में। बात करें तो यार वैसे इतनी ईजीली मिलते नहीं। अबे भाई किंग आ चुका है इधर यार, मेरे को टेंशन है कि भाई क्वीन अपनी ही, तो चलो यार नहीं घूमी है तो यहाँ पर किंग की एबिलिटी देते हैं। तो क्वीन भाई डाउन तो नहीं होगी, लेकिन चलो सही है, अभी अपनी क्वीन वॉक काफ़ी सही चल रही है, रैदर क्वीन चार्ज कहना चाहिए हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट रेज आएगा कि भाई हीलर्स को काफ़ी डैमेज पहुँचा यार इस एयर डिफेंस के कारण। तो यहाँ पे एक जंप आएगा भाई यार, बस जल्दी से जल्दी यार हमें टाउन हॉल लेना है यार जैसे मर्जी, क्योंकि भाई अगर टाउन हॉल ना मिला तो दिक्कत पक्का है। ओबे भाई साहब ये तो लग गए हमारे इस बार तो यार, कहाँ यार क्वीन सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो की साइड चली गई यार, ये तो मुश्किल होगा अब ये बेस। तो भाई अब 1-स्टार ही होगा यार, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला यार, अब तो कोई चांस ही नहीं है कि भाई ज़्यादा हो जाए वो। तो यार बस चलो यार, ये क्वीन वॉक तो अभी ख़त्म हो गई अपनी यार अभी यहीं पे, तो बस अभी हमें जल्दी से जल्दी 1-स्टार करना है। तो यार अभी कुछ चांस है नहीं यार, वैसे इधर ट्राई मार के देखें यार, तो को यार पहले 1-स्टार पक्का करने अपना, फिर उसके बाद भाई ट्राई मार के देखते हैं ईजीली 2-स्टार करने का। तो भाई मतलब ये स्टार्ट ही काफ़ी गंदा गया यार वीडियो का। तो चलो कोई बात नहीं यार, अभी हमारे इसके बाद 2 अटैक्स और करने वाले हैं, हम बताया ही है कि भाई हम 3 अटैक्स करने वाले हैं जो भी हमारी वीडियो होगी। तो यहाँ पे 3 लून्स आ जाएंगे पीछे से, एक बेबी ड्रैगन। तो बस ये जल्दी से जल्दी आर्चर टावर मिल जाए हमें। तो चलो आर्चर टावर मिल गया, काफ़ी सही हो गया अपने लिए। तो अभी कहाँ छोड़ें भाई बेबी ड्रैगन, ताकि अच्छी वैल्यू निकल जाए यार। देखते हैं भाई, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ते हैं भाई यार। चलो और कोई सही ऑप्शन दिख नहीं है मेरे को यार कहीं पे भी। तो यार मतलब क्वीन ने यार बहुत गलत काम किया यार, सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो की साइड वाले कंपार्टमेंट में चली गई यार, शायद हमने गलत छोड़ा यार वहाँ पे अपना, जो हमें छोड़ना नहीं चाहिए था भाई अपना वहाँ पे जंप स्पेल। तो यार हमारी गलती है भाई ये, क्या जल्दी जल्दी छोड़ना पड़ेगा, 19 सेकेंड भी बचे हैं हमारे पास अभी। ट्रॉफी लूज मैं भाई किसी भी हालत में नहीं करना चाहता कि भाई काफ़ी दिक्कत हो जाती है अगर ट्रॉफी लूज़ हो जाए तो, यहाँ पे रेज भी छोड़ देंगे अपना यार, क्या करना है अभी 1-स्टार ही होने वाला है पता ही है भाई। तो चलो यार एंड कर देते हैं बैटल को, क्योंकि अब यार कुछ बचा नहीं है इसमें हमें कुछ दिखाने को यार, तो 10 ट्रॉफीज़ मिल गई। तो चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है यार, दिक्कत वाली बात नहीं अपने को कोई ज़्यादा अभी। तो यहाँ पर ट्रेन लगा देते हैं, अभी थोड़ा टाइम है यार हीरोज़ को ट्रेन होने में। चलो यार रिक्वेस्ट कर लेते हैं CC के लिए, अगर CC भी होता तो भाई निकल जाता यार, हमारे पास CC नहीं था यार क्योंकि टाइम था उसमें अभी। तो चलो आते हैं गाइस यार वापस, जैसे ही अपनी नेक्स्ट स्टार में होती है ट्रेन। तो लो गाइस यार अपनी नेक्स्ट स्टार में भी हो चुकी है ट्रेन। तो यार वैसे यार TH10 पे भाई मैं इसलिए कम अटैक करता हूँ यार, क्योंकि आपको पता है यार सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो का सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है यार, क्योंकि भाई चूस लेते हैं वो हीटर्स को बिल्कुल 1 सेकंड में यार। तो इसका भी भाई हल निकाल लेंगे यार जैसे ही हम अपनी चैंपियन वगैरह लीग में पहुँचेंगे, क्योंकि भाई तब सारे TH10 और 11 पे अटैक करना पड़ेगा हमें, ऑलमोस्ट TH9 तो बहुत कम देखने को मिलेंगे यार तब। तो यार हम 2 फ्रीज लेके जाने वाले हैं अपनी तरफ से, ताकि भाई उसका मैक्स पॉइंट रोक सके अपने सिंगल टारगेटेड इन्फर्नोस का।
तो यार अभी हम नहीं चाहते यार कि अभी हम वो यूज़ करें, क्योंकि भाई अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि अभी चल जाता है काम यार, कि अभी TH9 के इजीली बेसिस मिल जाते हैं, ज़्यादा अभी इतनी दिक्कत आती नहीं है, अच्छे मतलब ट्रॉफीज़ वाले बेस मिल जाते हैं। तो चलो 19 ट्रॉफीज है, इस पर करेंगे अटैक यार, क्योंकि अपने पास ये अपना इलेक्ट्रो ड्रैगन भी है, तो हो जाएगा भाई यार 19 ट्रॉफीज तो मिल जाएंगे, मतलब 3 स्टार हो सकता है यार, प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है जब अपने पास इलेक्ट्रो ड्रैगन होता है। मैं ज़्यादातर सारे बेस कर ही लेता हूँ भाई, जैसे भी अपने पास इलेक्ट्रो ड्रैगन होता है, तो देखते हैं भाई क्या निकलता है इस बार, कितना निकाल पाते हैं। तो चलो यार क्वीन नीचे की तरफ आ जाए बस जल्दी से, तो आ गई भाई, अब यहाँ पे अपना किंग आ जाएगा, ताकि भाई फनल सब सही बन जाए। क्वीन को मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई घूम जाए अपनी क्वीन, फिर काफ़ी दिक्कत आती है भाई, अगर एक बार क्वीन घूम गई ना यार, तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम काफ़ी आने वाली है, अगर एक बार भी क्वीन घूम गई तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई वो। अभी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि भाई विजिट टावर यहाँ पे डैमेज देने वाला है, तो चलो नहीं देगा। तो चलो यार एक टेस्टिंग वॉल ब्रेकर, तो क्वीन मेरे को लगा था भाई इस साइड आएगी पक्का, तो इसलिए भाई मैंने वहाँ पर सिर्फ एक ही वॉल ब्रेकर डाला था इस एक टाइम के लिए। तो चलो यहाँ पे वॉल ब्रेक हो गई, चलो सही टाइम पे भाई वॉल ब्रेक हो गई अपनी। यहाँ पे एक रेज आएगा, काफ़ी डैमेज पड़ने वाला आगे भी, क्योंकि यार क्वीन भी आगे अपनी, तो यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन भी डाल देते हैं यार, ज़रूरत है वहाँ पे एक बेबी ड्रैगन की भी, तो किंग की एबिलिटी देते हैं, क्योंकि भाई अभी वॉल ब्रेक करनी है, तो यार दो पीछे से वॉल ब्रेकर छोड़ देते हैं, ताकि अपने किंग की भी हेल्प हो गई, तो चलो सही है। अभी बस एक एयर डिफेंस कोशिश रहेगी कि भाई एक और मिल जाए तो सही, काफ़ी सही हो जाएगा अपने लिए काम। तो ओ भाई साहब क्या OP डैमेज पड़ रही है वहाँ पे, तो चलो यार क्वीन की एबिलिटी यूज़ होगी, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, अपने को होनी थी भाई एक टाइम पे। तो यहाँ पे अपना बेबी सॉरी इलेक्ट्रो ड्रैगन आ जाएगा, अबे भाई हीलर्स की लग गई यार बिल्कुल ही, मतलब यहाँ पे एक लून आएगा, तो चलो यार यहाँ पे एक फ्रीज़ करते हैं बस, यहाँ पे एक फ्रीज़, क्योंकि भाई अब चाहते नहीं कि इलेक्ट्रो ड्रैगन मर जाए अपना जल्दी। तो एक बेबी ड्रैगन, एक बेबी ड्रैगन, यहाँ पे एक जंप आएगा, तो यार मतलब हीलर्स की बिल्कुल ही लग चुकी हैं यार, सही बोले तो हम। अबे भाई ये क्या यार, मतलब जितनी बची खुची यार, जितनी भी यहाँ पे सीकिंग एयर माइन से सब निकल चुकी हैं यार, अब बस क्या बोलूँ यार, मतलब हर एक सीकिंग एयर माइन निकल चुकी है, तो यार ले हो यार, आखिरी बची थी, मतलब एक दो बची होगी वो भी निकल गई यार, अटैक का बिल्कुल सत्यानाश हो गया यार हम बात करें तो। अभी यार हमें कम से कम 12 मिल जाएंगी ट्रॉफीज़, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, पुशिंग यार मतलब डिफ़िकल्ट होती जा रही है धीरे धीरे, आपने खुद देख लिया यार लेवल अब बढ़ता जा रहा है यार पुशिंग का अपना, तो यहाँ पे सब कुछ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि यार हमें कुछ भी वापस लेके जाना नहीं है, तो बाकी फिर यार फिर से आर्मी में दिक्कत आएगी, तो माइनस करने की बजाय सब कुछ छोड़ के जाएंगे यार, तो क्या बचा है, अच्छा पॉइजन तो छोड़ो यार करते हैं एंड। तो यार 13 ट्रॉफीज मिल गई तो ठीक है यार भाई, चल रही है यार कोई बात नहीं, 2800 कर लेंगे हम इजीली आज के दिन में यार, बाकी का टाइम भी मैं पुशिंग में कर लूँगा, क्योंकि 48 मिनट्स पड़े हैं, तो हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करने वाले अपना ये बूस्ट, कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बूस्ट को बिल्कुल इफेक्टिवली यूज़ करना है हमें, बिल्कुल टाइम वगैरह ख़राब नहीं करना इसका बूस्ट का हमें। तो आते हैं गाइस यार, जैसी अपनी नेक्स्ट आर्मी भी होगी ट्रेन, तो यार कोशिश रहेगी कि भाई अभी 20-25 ट्रॉफीज़ अपने नेक्स्ट अटैक में ढूंढ लें हम। तो भाई काफ़ी गजब चीज़ मिल चुकी है, अपनी आर्मी तो हो ही चुकी है ट्रेन, तो भाई मैं वैसे यहाँ पे रिवेंज चेक कर रहा था, तो ये देखो भाई यार 41 ट्रॉफीज़ हैं यार इस बेस पे, तो यार एक प्लान सा तो बनाया हमने, देखते हैं भाई काम करेगा भी या नहीं, कि भाई यार यहाँ पे अगर क्वीन ने जंप नहीं लिया तो यार मुश्किल हो जाएगी फिर, तो चलो कोई बात नहीं ट्राई करते हैं यार, देखते हैं भाई क्या बनता है। यहाँ पे एक लून आएगा पीछे से अपने थोड़े से हीलर्स, और एक यहाँ पे ठीक है भाई बेबी ड्रैगन यहाँ पे, तो इस साइड भी भाई यहीं पे आएगा, अरे यार थोड़ा गलत चला गया लेकिन कोई बात नहीं। अभी पीछे से वॉल ब्रेकर, तो भाई बस क्वीन अंदर आनी चाहिए यार, यहाँ पे वॉल ब्रेकर आएंगे सारे अपने। अबे भाई यार क्वीन क्या कर रही है, ओ भाई ये क्या हो गया यार, मतलब स्टार्टिंग में ही अटैक का ख़त्म हो गया भाई अटैक बिल्कुल, बस कुछ बचा नहीं है यार अब इस अटैक में, क्या भाई साहब ये क्या हो गया यार, सोचा था कि शायद अपना क्वीन अंदर आ जाए, लेकिन भाई बिल्कुल ही बस क्वीन ने सत्यानाश कर दिया। तो अबे भाई यहाँ पे छोड़ो यार, अब तो सब ख़त्म है यार भाई, यहाँ पे एक जंप डाल देते, क्या पता भाई क्वीन अंदर की तरफ ही आ जाए, यहाँ पे एक रेज आएगा, तो यार मतलब
काम मुश्किल है अब तो काफ़ी ज़्यादा यार, बात करें तो। अबे यार ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार अटैक। शायद इस बार हम ट्रॉफीज लूज करने वाले हैं, मेरे को देखने से लग रहा है यार जितना। तो यार यहाँ पे भी एक बेबी ड्रैगन आएगा, तो यहाँ पे एक रेज आएगा, तो यार मैक्सिमम परसेंटेज निकालने की कोशिश रहेगी यार अपनी। तो इलेक्ट्रो ड्रैगन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा भाई। तो चलो 40% निकल चुका है यार, तो काफ़ी सही हो गया अपने लिए। तो यार यहाँ पे काफ़ी फ्री परसेंटेज मिल जाएगी, तो ठीक है भाई। चलो यार कम से कम हम 1 स्टार तो गेन कर ही लेंगे, तो चलो ठीक है यार। अब कम से कम यार इतना तो हमें आना चाहिए कि 1 स्टार हम किसी भी बेस पे यार, इतना चाहे TH12 भी क्यों ना सामने आ जाए हमारे, तो उस पर भी हो जाए यार मतलब 1 स्टार। तो किंग की एबिलिटी देते हैं यहाँ पे, एक और बेबी ड्रैगन आएगा, दो लून्स भी हैं अपने पास अभी, तो यार यहाँ पे दो लून्स आ जाएंगे ईजीली भाई। यार यहाँ पे दो लून्स निकाल लेंगे इस कैनन को, और तीन बेबी ड्रैगन, चलो एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे आएगा। तो चलो यार ईजीली 1 स्टार तो हो गया कम से कम। लेकिन भाई यार ट्रॉफीज़ यार, काश हमने सोचा था कि 2 स्टार हो जाता तो भाई काफ़ी अच्छी ट्रॉफीज़ मिल जाती अपने को, 28 ट्रॉफीज़ के अराउंड मिल जाती। अभी यार भाई 13 या 14 मिलेंगी, 13 मिल गई, चलो ठीक है यार। काश यार हम कुछ अच्छा कर पाते इस बेस पे, तो काफ़ी सही रहता यार। तो चलो ठीक है, अपनी पुशिंग काफ़ी ठीक चल रही है यार, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी OP भी चल रही है पुशिंग यार हम बात करें तो। ऐसे यार हमारा टारगेट रहेगा कि बहुत जल्दी हम अपने Titan 2 में पहुँचे जितना हमने सोचा है यार। तो इसके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा टाइम लगा रहे हैं COC पे। तो यार अभी मेरे दिन में अभी अभी 2-2 घंटे भी हो जाता है यार आराम से बड़े। तो संडे की यार आज मतलब संडे है, सुबह मतलब सुबह का टाइम है, 2 बजे हैं यार। तो संडे की स्पेशल वीडियो भी आएगी और ये वीडियो भी आने वाली है, तो दोनों के लिए बने रहें यार चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ।